गाइस, रिसेंटली मैंने ये वाली बाइक को परचेस किया था। ऐसी बाइक पूरे यूट्यूब पे ही आपने कहीं पे भी नहीं देखी होगी यार, क्योंकि ये बाइक बहुत ही कमाल की व्हीली कर सकती है और बहुत ही अलग अलग तरीके के स्टंट कर सकती है। इसको मैंने सिर्फ 6000 रुपीस में खरीदा था। आज मैं ये यामाहा R15 बाइक की फाइट कराने वाला हूँ बहुत सारी बाइक्स के साथ, जैसे कि ये एक ड्रिफ्ट बाइक है और ये बहुत अच्छे तरीके से ऑफ रोड में चल सकती है। ये एक यामाहा की 2022 मॉडल वाली RC बाइक है। ये है स्ट्रीट फाइटर बाइक। तो गाइस, ये बाइक के साथ मैंने ये वाली कार को भी परचेस किया था। ये एक सुपर RC कार है, इसका प्राइस है 2000 रुपीज। चलो गाइस, फटाफट से इनको करते हैं अनबॉक्स, फिर कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखेंगे आज कौन सी बाइक जीतती है। लेट्स स्टार्ट। बॉक्स के ऊपर क्लियरली दिया गया है कि ये बाइक छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होने वाली है। ये बाइक दो कलर्स में मिलती है, ब्लू एंड रेड। इसके अंदर क्या क्या मेन फीचर्स है सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। 7.4 वोल्ट की बैटरी भी इसके साथ दी जाती है। बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चाहे तो ये 6-axis जायरो बाइक को खरीद सकते हो। गाइस, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारा चैनल बहुत तेजी से ग्रो हो सके। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। रिमोट में बहुत सारे बटन्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग टेरेन में चलाने के लिए अलग अलग सेटिंग्स करनी पड़ती है। यहाँ पे भी बहुत सारी सेटिंग्स है। यहाँ से आप इसको स्लो भी चला सकते हो, हाई स्पीड में भी चला सकते हो। यहाँ से आप इसको स्टंट करा सकते हो, व्हीली वगैरह करा सकते हो। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे दो एक्स्ट्रा बटन दिए गए। बैटरी वगैरह है, बैटरी बहुत ज्यादा सॉलिड इसके अंदर दी गई है। ये है हमारी यामाहा R15 2023 मॉडल वाली बाइक। सामने की हेडलाइट बहुत ज्यादा कमाल की है। इसके ऊपर बहुत सारे स्टिकर्स वगैरह चिपकाए गए हैं। यहाँ पे इसका इंजन है। बाइक के ऊपर एक ब्लैक सूट पहनकर राइडर भी बैठा हुआ है। हम चाहे तो ये राइडर को यहाँ से अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसका हैंडल वगैरह आप देख सकते हो, भाई साहब काफी ज्यादा डिटेलिंग में ये बाइक को बनाया गया है। पीछे की तरफ टेल लाइट भी है और ये काम भी करती है गाइस प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर वगैरह दिया गया है। साइड स्टैंड भी इसके अंदर लग जाता है। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट दिया गया। ये है इसका 6-axis जायरो व्हील। इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स दिए गए। सामने की तरफ यहाँ पर सस्पेंशन भी दिया गया है। इतनी ज्यादा कमाल की डिटेलिंग मैंने आज तक कोई भी बाइक के अंदर नहीं देखी है गाइस। अब ये रहा हमारा 2022 मॉडल यामाहा R1 बाइक। अब इसको अनबॉक्स करते हैं और दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं गाइस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस दिया गया। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। ये जो बाइक है ना यार, ब्लैक एंड येलो कलर के कॉम्बिनेशन में मिलती है और उसका कलर मेरे को बहुत ज्यादा परफेक्ट लग रहा है। जब मैंने इसको खरीदा था यार, इसकी बैटरी खराब हो चुकी थी, तो मैंने इसके अंदर एक कस्टमाइज बैटरी डाली थी। तब से यह बाइक बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सबसे पहले इसका रिमोट दिखा देता हूं। ये दोनों के रिमोट के अंदर देखो यार, जरा बराबर भी डिफरेंस मेरे को नहीं लग रहा है। सिर्फ यहाँ पे कलर का डिफरेंस थोड़ा सा दिया गया है। बाकी अब ये बाइक को यहाँ से निकालते हैं। दोनों का साइज मेरे को बिल्कुल उतना ही लग रहा है, पर इसके अंदर बहुत सारी चीजें अलग दी गई है। इसके जो साइड मिरर्स है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, पर इसके जो साइड मिरर्स है हार्ड दिए गए प्लास्टिक वाले। इसकी क्वालिटी नई बाइक के मुकाबले में थोड़ी सी कम है यार। बाकी वही व्हील दिया गया है, रबर के व्हील्स है। सामने की तरफ पीछे की तरफ भी सेम व्हील है। ये बाइक भी बहुत अच्छे तरीके से स्टंट्स वगैरह कर सकती है। बाकी अगर मैं दोनों को साइड बाय साइड रखूं तो इसके ऊपर बहुत सारे स्टिकर्स वगैरह दिए गए ये हैंडल बार पर ये हैंडल पे एक भी आपको स्टिकर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। बाकी सामने से इसका लुक और इसका लुक सेम टू सेम है। बाइक के साथ साथ मैंने ये वाली कार को भी परचेस किया था यार। इसका डिजाइन मेरे को बहुत ज्यादा अलग और बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगा था, इसलिए मैंने इसको परचेस किया था। चलो फटाफट से इसको यहाँ से अनबॉक्स करके बता देता हूँ। इसको भी अगर आप खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। यहाँ से इसको निकाल लेते हैं यार। नीचे बहुत सारे स्क्रूज दिए गए हैं, खोल लिया है। ये आ चुकी है हमारी सुपर RC कार। व्हील्स काफी ज्यादा डिफरेंट है और काफी ज्यादा चौड़े वाले व्हील्स इसके अंदर दिए गए। यहाँ पर इसके हेडलाइट्स आप देख सकते हो यार, बहुत ज्यादा एरोडायनामिक ये कार मेरे को लग रही है। डोर्स यहाँ से ओपन हो जाएंगे, शायद रिमोट के अंदर भी एक बटन दबाने से इसके डोर्स ओपन और क्लोज हो जाते होंगे। पीछे की तरफ यहाँ पे वाटर डालना पड़ता है ताकि इसका बूस्टर ऑन हो सके। बूस्टर भी बहुत ज्यादा बड़े साइज का है। ऊपर की तरफ एक स्पॉइलर भी दिया गया है। तो ओवरऑल इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना यार, ये मेरे को काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है। और ये कार सिर्फ 2-व्हील ड्राइव है। ये इसका रिमोट कंट्रोलर है, रिमोट भी बहुत ज्यादा स्टाइलिश इसके साथ दिया गया है। ये इसकी रिचार्जेबल बैटरी है, लायन बैटरी देखने को मिल जाती है 7.4 वोल्ट की। और ये इसका चार्जर है। तो चलो यार, अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखेंगे आज की फाइट में कौन सी बाइक जीतती है। लेट्स गो।
ओके गाइस, इनको टेस्ट करने के लिए मैं अभी बाहर आ चुका हूँ। ये बाइक बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है और इनका कलर देखो यार, कितना ज्यादा मस्त दिख रहा है। तो आज की वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। सबसे पहले न्यू यामाहा R15 बाइक को टेस्ट करके देखते हैं। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और ये बाइक खड़े खड़े टर्न भी हो जाती है और इसको चलाना बहुत ज्यादा ईजी है क्योंकि इसके अंदर जायरो सेंसर दिया गया है। इस वजह से जब आप इसको व्हीली कराते हो तो यार ये बहुत आराम से व्हीली कर लेती है और बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरती है गाइस। ओ माय गॉड, मजा आ गया यार ये बाइक को चला के। अब ये पुरानी R1 को टेस्ट करके देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये बाइक भी चलती है। इसकी भी स्पीड बहुत ज्यादा दी गई है पर इसकी कंट्रोलिंग देखो यार थोड़ी सी खराब है। छोटे से एरिया में हम लोग इसको बिल्कुल भी टर्न नहीं करा सकते। दोनों के अंदर भी जायरो सेंसर होने के कारण दोनों ही बाइक बहुत कमाल के स्टंट कर सकते हैं और दोनों ही बहुत आराम से व्हीली भी कर सकते हैं बिना गिरे। ओके गाइस, अब ये RC फ्यूचरिस्टिक कार को टेस्ट करके देखते हैं। इसका डिजाइन इतना ज्यादा कमाल का है कि यार लोग इसको देखते ही रह जाते हैं। पीछे बूस्टर देखो यार, इतना ज्यादा बड़ा लगाया गया है कि ये बिल्कुल एक रियल बूस्टर जैसा ही दिखाई देता है। चलो अभी इसको चला के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कार की स्पीड बहुत ज्यादा है और इसको चलाने में भाई अलग लेवल का मजा भी आ रहा है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यार ये इतनी सस्ती वाली कार इतनी बढ़िया तरीके से चलेगी। अब ये MotoGP बाइक को टेस्ट करके देखते हैं। नो डाउट ये बाइक बहुत स्पीड से चल सकती है पर ये बहुत ज्यादा बल्कि होने के कारण इसको टर्न कराना बहुत ज्यादा दिक्कत लगती है। ओके यार, अब ये डर्ट बाइक को टेस्ट करके देखते हैं। ये डर्ट बाइक की स्पीड अच्छी खासी दी गई है पर जैसे हम इसको हाई स्पीड में चलाते हैं तो इसका बैलेंस गड़बड़ा जाता है। स्लो स्पीड में चलाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से चलती है। ओके गाइस, अब इन दोनों के बीच में कराते हैं रेस, देखते हैं दोनों में से कौन सी बाइक है सबसे ज्यादा फास्ट। रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। पुरानी यामा R1 बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। नई वाली यामा पूरी कोशिश कर रही है इसको ओवरटेक करने के लिए। जैसे ही मैंने इसके अंदर टॉप गियर लगाया है भाई, ये बहुत आराम से यामा R1 को ओवरटेक करके बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। ओ माय गॉड, इसकी स्पीड सच में यार बहुत ज्यादा दी गई है। मेरे को लग रहा है कि इसकी टॉप स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तक जा सकती है। इतनी ज्यादा स्पीड में भी ये बहुत स्टेबल तरीके से चल सकती है। अब देखते हैं यामाहा R15 ये डर्ट बाइक को भी रेस में हरा पाती है। यानी दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है। यामाहा R15 पूरी कोशिश कर रही है अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखिए आगे जाने के लिए पर डर्ट बाइक भी कुछ कम है नहीं। देखो डर्ट बाइक ने अपनी स्पीड अब अचानक से बढ़ा ली थी। गाइस देखो ये बाइक फिर से क्रैश हो गई यार, ये एक दिक्कत है इसके अंदर। बाकी बाइक बहुत स्पीड से चल सकती है पर गाइस यहां पर यामाहा R15 जीत चुकी है रेस को। अब R15 बाइक की रेस कराते हैं MotoGP बाइक के साथ। ये MotoGP बाइक के अंदर इनिशियल पिकअप बहुत ज्यादा दिया गया है। देखते ही देखते बहुत ज्यादा आगे निकल गई थी। मेरे को तो एक बार में लगा था कि गाइस आराम से जीत जाएगी पर यामाहा R15 इससे भी ज्यादा तेज है। जैसे मैंने इसके अंदर टॉप गियर लगाया है ये बाइक ने अपनी स्पीड अचानक से बढ़ा ली है और ये रेस को जीत चुकी है गाइस। अब होगी रेस बाइक वर्सेस फ्यूचरिस्टिक कार के बीच में। देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन जीतता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेस चल रही है दोनों के बीच में। फ्यूचरिस्टिक कार बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। अब मैंने यामाहा R15 के अंदर टॉप गियर लगा दिया। यामाहा R15 देखो यार एकदम हवा से बात करने लगी है। यहाँ पे बूस्टर भी मैंने ऑन कर दिया है फ्यूचर कार के अंदर। फ्यूचर कार थोड़ी सी पीछे हो गई यार यामाहा R15 ने भाई आज ये कार को भी हरा के रख दिया है भाई। अब आमने सामने वाली फाइट कराते हैं दो सुपर बाइक्स के बीच में। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। टक्कर तो बहुत जोरदार हुई है दोनों के बीच में। यहाँ पे यामाहा R15 क्रैश हो चुकी है। मेरे को लगा था कि गाइस ये बाइक भी क्रैश हो जाएगी पर सरप्राइजिंगली इसने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। इसका मतलब यह है कि इसका जायरो सेंसर बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। ओके, अब टग ऑफ वॉर भी करा के देखते हैं गाइस। यहाँ पे भाई साहब दोनों के अंदर सेम पावर दी गई यार। दोनों ही यहाँ पर गिर चुके हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे दोनों के बीच में टाई हो चुका है। अब देखते हैं R1 बाइक ये फ्यूचर कार के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं। फ्यूचर कार सच में यार बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसने तो यार एक झटके में ही नीचे गिरा के रख दिया है R1 बाइक को। अब आमने सामने वाली फाइट कराते हैं फ्यूचर बाइक वर्सेस डर्ट बाइक के बीच में। देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। डर्ट बाइक इसके ऊपर से जंप मार के निकलने की कोशिश कर रही थी पर फ्यूचर कार बहुत ज्यादा पावरफुल है यार। इसने तो इसको भी टक्कर मार के ढेर करके रख दिया है यहाँ पे। अब देखते हैं MotoGP बाइक ये फ्यूचर कार के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं क्योंकि ये बहुत ज्यादा तगड़ी यार। मेरे को तो एक बार में लगा था कि भाई ये इसके ऊपर से आराम से निकल जाएगी पर फ्यूचर कार ने इसको भी टक्कर मार के नीचे लिटा के रख दिया है पूरी तरीके से। ओके, अब इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर करा के देखते हैं। यहाँ पे मेरे को लगा था कि ये फ्यूचर कार आराम से खींच लेगी MotoGP बाइक को पर MotoGP बाइक इससे भी ज्यादा पावरफुल निकली यार। इसके जो व्हील्स है ना इसके अंदर बहुत अच्छी ग्रिप दी गई है। इस वजह से मेरे को लग रहा है कि ये टग ऑफ वॉर में बहुत आराम से हरा चुकी है फ्यूचर कार को। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको कौन सी बाइक अच्छी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है समीर, वंश, इब्राहिम, रमेश, सहज, बलराम, हफीज, विक्रम, सम्राट, राहुल। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।